नमस्कार दोस्तों, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं ब्रजेश पटेल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भोले बाबा की पावन नगरी काशी में 8वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित लेखक व निर्देशक उज्जवल पांडे के आगमन पर काशी मोशन पिक्चर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। खबर 7C से खास मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अनुभव को बांटा। अब तक उज्जवल पांडे जी ने 150 से अधिक लघु फिल्में बना चुके हैं, जिसमें अक्कड़ बक्कड़ लघु फिल्म के लिए उन्हें 8वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं वाराणसी और देखते हैं विकास विश्वकर्मा की यह रिपोर्ट। मैं कालीचंद्र उपाध्याय, खबर 7C से संवाददाता। हम लोग पहुंचे हैं उज्जवल जी के यहाँ पे, जिनके फिल्म अक्कड़ बक्कड़ को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। उनके काशी प्रथम आगमन पे उनसे एक बातचीत। उज्जवल जी, हमें ये बताइए कि जब ये आप पिक्चर बना रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि पिक्चर को ऐसा अवार्ड मिल सकता है? फिल्म बनाते समय सबसे पहले तो काशी की जनता को पूरा प्रणाम, और पूरे भोजपुरिया समाज के जो भी हमारी गोबर को फिल्म को बनाने में हमारे लोगों को प्रणाम। अक्कड़ बक्कड़ हमने बनाई थी दो बार एक्चुअली, एक बार 2014 में बनाई थी इसी बनारस में, और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सेम वही चीज़ पे, बस आर्टिस्ट बदल करके एक बड़े पलक उसको हम लोगों ने पिछले साल दिल्ली में बनाया क्रिएटिव एजेंसी बैनर से पहले। और बनाते समय बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ये फिल्म इस तरीके से ये गिरेगी अपना, लेकिन हालांकि अभी कुछ दिन पहले, अभी हमको लगता है 15-20 दिन हुआ है फिल्म को अवार्ड मिले हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 4-5 साल से हमारा ये सपना था कि ये फिल्म, मतलब कोई भी किसी भी फिल्म को हमारे ये अवार्ड मिले। दादा साहब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद जो आपकी अभी एक नई मूवी शूटिंग चल रही है गोबर, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, गोबर पे इसका ये प्रभाव, देखिए पिछले 5 सालों से हम लोग बनारस में कुछ लोग हैं जो फिल्म मेकिंग को लेकर के बहुत हम लोगों ने उस पर काम किया है कि बनारस में ही अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री बने। हम हैं, हमारे साथी कई लोग हैं, विकास कुमार जी शर्मा जी जानते होंगे, और भी कुछ ऐसे साथी हैं जो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बनारस में एक फिल्म इंडस्ट्री बने, जिससे यहाँ के आते जो जाके बहुत परेशान होते हैं और काम नहीं मिलता, उसके बाद चले आते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए यहीं पर काम मिले और यहीं पर चीज़ें सारे संसाधन यहीं से कर। ये जो भी आप इस तरीके की फिल्में देख रहे हैं, कोवर भी हम लोग पूरी तरीके से यहीं बना, यहीं के कलाकार हैं, यहीं का कैमरा, यहीं का प्रोडक्शन, सब कुछ यहीं का। तो ये संदेश नहीं है, सिर्फ ये अनुरोध है हमारी गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि हमारे इस काम में हमारी मदद करें कि हम लोग बनारस में और उत्तर प्रदेश के लिए फिल्म बनाए। ठीक है, बात नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया था, सबको पता है, अब इंटरनेट का ज़माना है, सारे लोग गूगल जाकर के सब सबसे पता कर सकते हैं। बनारस फिल्म सिटी की बात शुरुआत में हुई थी 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ पहल हुआ नहीं, काफ़ी बात हुई लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं उसमें यह है कि बहुत कम बजट में हम लोग कैसे फिल्म सिटी बनाएंगे, जिसका जो ब्लू प्रिंट है हमारे पास, जिससे हम 1000 लोगों को तुरंत अपने यहाँ रोजगार दे रहे हैं जी, और बहुत कम बजट में ये चीज़ें, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी के लिए भी पीनट है। उज्जवल जी, आपने खबर 7C को समय दिया, से बोलिए। बाबा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद आपकी कोवर फिल्म पे जो जिसकी शूटिंग अभी आप बलिया वगैरह बिहार में कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा? प्रभाव बहुत पड़ा है। जब ये अनाउंस हुआ था कि दादा साहब फाल्के मिल गया है, तो उसके बाद से बहुत तरीके से लोग जुड़े, और जिनको पता नहीं था कि हम कोवर बना रहे हैं, तो कोवर चूँकि पब्लिक फंडिंग से बनने वाली फिल्म है, तो इस तरीके की फंडिंग भी और मिलने शुरू होंगे, और बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाता है, हमको लगता है कि कोई भी अवार्ड कोई भी सम्मान के बाद मिलता है, उसके बाद लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ जाती है और विश्वास भी हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। और कोवर कब तक शूटिंग चल रही है बलिया के मंदिर में, और हमको लगता है कि 2-3 महीने और लगेंगे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग वगैरह में, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या रिलीज डेट क्या होती है।